चाल इकड़े प्रणाम कर दो एक शब्द नहीं निकलता मेरे मुंह से, मारना तो दूर की बात है। हमारी लड़की समान है। मैं तो सर आपके आपके घर में माँ बहनी है, आपके घर में मैं मिला ही आप बोले जा रहे बोले जा रहे मैडम भी हमारी रिश्तेदार भी है, मैं तो अभी आपके घर में आपूर्ति कर काम नोट कराऊंगी, जो भी काम किए मैं नोट कर क्या सोच के आपने शब्द मैंने तो आपके जो काम कहा वो नोट कर, आपसे कहीं माफी है क्या? मैंने कहा था मैंने काम जो भी काम किया वो नोट कर दिया, काम की छोटो काम तो बाद में हो जाएंगे। एक औरत को बच्चा मिला अपनी बात बोलना किसने सिखाया? मैं बोला ही मैं बोला ही एक शब्द भी नहीं बोला थी मैं बैठी आ तो रहा हूँ बोलने जो भी कौन बोलता है शेड कह रहे हैं शेड पर शेड की बात ही नहीं है भाई, आप शेड बनाओ सरकारी खाते से बनेगा वो तो बढ़ेगा आपने जो भी काली पत्र में पढ़े लिखे ना इतना नॉलेज कर्मचारी अधिकारी हो मान सम्मान तो दे बुलाओ उसको एक बार थाना इंचार्ज को बुलाओ ये आपके चलते माले घोटाला सारा सिस्टम माले मैंने कोई घोटाला किया नहीं सर किसी का तो ये सर सुनो सर ऊपर से बंदा नहीं ये जीत जा फिर नहीं फिर तेरी बोल नहीं पा सके सर सर नहीं बता पहले तेरी बोल नहीं पा सके सर मेरी बात नहीं शर्माई थोड़ी नहीं सर सर जो देखा तेरी बैठे आप लोग जाओ सारे सारे मैं जाऊंगा बैंकिंग में आपको जानते हैं किसी के बारे में क्या करें कोई किसी के बारे में कैसे करें अध्यापक जी आप भी बताओ थी तुम्हारे से कुछ नहीं करती हूँ तुम्हारी गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ वो गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ क्या हमें सब मानसी जीने का अधिकार नहीं है आराम करने तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं तुम लोगों को हाँ जी क्या बात है सर मैं तो जो काम का नोट कर लिया जो भी काम का है बहन जी ने इन्हें क्या शेड बनाने के लिए मैं शेड बनाने के नोट कर लिया मैं सेक्टरी हूँ मार्केट रिपोर्ट लिखो इसके खिलाफ जो भी काम का मेरे सारा काम सर शेड बनाने के लिए काम मेरे शेड बन जाएगा जी जो भी मैं इसने गलत भाषा इस्तेमाल की नहीं जी और मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की है मैंने बात बहन जी मैं तो यहाँ बैठ के आपने कहा दफ्तर में गए थे बहन जी वहाँ रिपोर्ट लिखो नहीं मैं काम कर रही हूँ बाहर निकल के क्या समझ रखा आपने मुझे।